पास। ये मैसेज है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले के बाद जो अगला आएगा उसको लाने की तैयारी पाकिस्तान के जो अल्टीमेट सॉवरन है इलेक्टोरेट उसके हाथ में नहीं है, किसी गैर मुल्की ताकत के हाथ में है। ये मैसेज है। और अगर ये मैसेज नहीं है तो मैं ये सवाल करता हूं फिर असद मजीद को आप पेंटागन का दौरा करने की इजाजत दे दें, आप असद मजीद को व्हाइट हाउस में घुसने की इजाजत दे दें, जो हमारा एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर, आप नहीं देंगे इसलिए कि कोड ऑफ डिप्लोमेट्स के खिलाफ है ये बात। दस्तूर हो तो बंदे गायब नहीं होते, दस्तूर हो तो परवेज इलाही केस नहीं होता, दस्तूर हो तो बच्चियों को बार बार एक केस से निकल के दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैं वुकला के नाम के ऊपर, मैं आईन के नाम के ऊपर, कायदे आजम के नाम के ऊपर, बेटी के नाम पे ऊपर दरखास्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लीजिए, आपकी बेटियां 5 महीने से जमानत के इंतजार में बैठी हुई हैं और आप किस इंतजार, जिस मर्जी जुर्म में गिरफ्तार हो तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर बेल दी जाएगी। बेंच बैठता है बेंच उठ जाता है, बेंच आता है बेंच टूट जाता है। ये कोई ना समझे कि वकीलों से ज्यादा इस काम को कोई समझता है। इस पाकिस्तान का कोई अहदा कोई चीफ ऐसा नहीं रहा जो जाके कभी ना कभी किसी वकील के चैंबर और दरवाजे पे जाके इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हुआ। कोई महकमा नहीं बचता जो आपके दरवाजे पे नहीं आता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर, मैं वुकला के नाम के ऊपर, मैं आईन के नाम के ऊपर, कायदे आजम के नाम के ऊपर, बेटी के नाम पे ऊपर दरखास्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लीजिए, आपकी बेटियां 5 महीने से जमानत के इंतजार में बैठी हुई हैं और आप किस इंतजार। आजकल बात होती है, कुछ दिन पहले तौफीक आसिफ मेरे पास आए कि मैंने कभी ये नहीं देखा, लोग कहते हैं मैंने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी, लोग कहते हैं मैंने कभी बिजली इतनी महंगी नहीं देखी, लोग कहते हैं डॉलर कभी इतना महंगा नहीं देखा, लोग कहते हैं मैंने स्मगलिंग कभी इतनी महंगी नहीं देखी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं देखा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया आखिरी के जाने के बाद, और वैसे जाते जाते जो जिस तहसील में वो गया था वो तहसील कहूटा थी, आप आर्काइव्स निकाल के देख लीजिएगा, मेरा गांव गया था वो। दिस इज 1947 रॉयट्स हुए, ये एक और वॉइस रॉय साहब है जो इलेक्शन कमीशन जाते हैं, जो पुलिस लाइंस जाते हैं, जो बड़े बड़े इदारों के पास जाते हैं। हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये मैसेज है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले के बाद जो अगला आएगा उसको लाने की तैयारी पाकिस्तान के जो अल्टीमेट सॉवरन है इलेक्टोरेट उसके हाथ में नहीं है, किसी गैर मुल्की ताकत के हाथ में है। ये मैसेज है। और अगर ये मैसेज नहीं है तो मैं ये सवाल करता हूं फिर असद मजीद को आप पेंटागन का दौरा करने की इजाजत दे दें, आप असद मजीद को व्हाइट हाउस में घुसने की इजाजत दे दें, जो हमारा एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर, आप नहीं देंगे इसलिए कि कोड ऑफ डिप्लोमेट्स के खिलाफ है ये बात। तो कहां का दस्तूर, कहां की खुद मुख्तारी, कहां की खुददारी, कहां की आजादी? इस मुल्क को सरजमीने बेआईन बनाया गया, जानबूझ के बनाया गया, उसका सबब है। और मैं उस तीसरे की तरफ जाता हूं कि सबब क्या है। सबब यह है कि दस्तूर हो तो फेयर ट्रायल होता है, दस्तूर हो तो रूल ऑफ लॉ होता है, दस्तूर हो तो अदालत देर नहीं लगाती, दस्तूर हो तो बंदे गायब नहीं होते, दस्तूर हो तो परवेज इलाही केस नहीं होता, दस्तूर हो तो बच्चियों को बार बार एक केस से निकल के दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं। मैंने इतनी जिंदगी इस प्लेनेट पे और अंडर दी सन गुजार ली है कि मुझे कोई इस बात की कठिन परवाह नहीं है कि सिवाय अल्लाह के जिसके पास और जिसके कब्जा है कुदरत में मेरी जान है, मुझे किसी और की परवाह हो सिवाय एक चीज के,
ये मुल्क हमारी आखिरी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है। आखिरी पनागाह है, पहली पनागाह है। आखिरी सहारा है, पहला सहारा है। और इस सहारे को जोड़ने के लिए अवाम और सरजमीन, रियासत और लोग, जुल्म और मसलूमियत, इसके दरमियान बैलेंस लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मुआहिदा है, उसको कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान। और मैं आखिर में सेक्रेटरी जनरल साहब खत्म करने लगा हूं, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। जोरा निगाह ने कभी कहा था, सुना है, जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है, जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है, शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, घने पेड़ों की छांव में वो जाकर लेट जाता है। ये मुल्क कैसे भूखे शेरों के हाथ आ गया? डॉलर, तेल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, चीनी, आटा, लोग क्या खरीदें, कहां से खरीदें, किसकी तरफ देखें, किससे मदद आएगी सवाए परवरदिगार के। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही तरीका है, लेट देयर बी इलेक्शंस ऑल ओवर पाकिस्तान विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ 90 डेज। और किसी ने क्या खूब बताया मुझे, कहता है पाकिस्तान का नक्शा 3 लाइनों में बयान किया जा सकता है, आज का नए पाकिस्तान का नक्शा जिसमें दस्तूर मजबूर मखूर गायब है। और वो ये है कि किसी ने पूछा कि जिसने बिजली महंगी की वो अभी कहां है, उसने कहा अभी लंदन है। उसने कहा जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वो कौन है, उसने कहा अभी अंदर है। तो उसने कहा जो रूल ऑफ लॉ मांगता है, फेयर ट्रायल मांगता है, अभिनंदन को मिला, और उसको नहीं मिला जो अटक जेल में अभी अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने अगले स्पीकर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी अकराम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। धरती मां आज फिर पुकार रही है। जब जब धरती मां ने पुकारा है, इस काले कोट ने हमेशा लबैक कही है।